लोग बात करेंगे तीन टूल्स की, ट्रिल, पुश और स्मूथ टूल। देखिए उन तीनों टूल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इस लिक्विफाई को हमें डिलीट करना होगा, तो लिक्विफाई में क्लिक करूँगा और इसे ड्रैग करूँगा यहाँ पर अपने डिलीट ऑप्शन पे, इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब देखिए पहले की तरह हमारा जो मैन था जिसमें टमी निकला होता है, इसके बाइसेप्स भी मस्कुलर नहीं है इसमें, तो ये पहले की तरह होगी हमारी इमेज। अब इसे हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर फिल्टर पे और यहाँ पर जाएंगे लिक्विफाई में, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर हम अपने एक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब देखिए पहले की तरह जो हमारा आपका ऑब्जेक्ट था, जो हमारे मैन था, तो उसको पहले की तरह करने के लिए हम लोग जाएंगे लोड मैश ऑप्शन में। इसमें लिखा है लोड लास्ट मैश, इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो देखिए पहले की तरह हमारी इमेज हो गई। इसे जूम कर सकते हैं आप कंट्रोल प्लस क्लिक करते हुए और इसे ड्रैग कर सकते हैं, स्पेस बार को क्लिक करेंगे आप पहले तो यहाँ पर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्लिक कर लीजिए, स्पेस बार को होल्ड कीजिए और फिर से ड्रैग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके मस्कुलर आर्म्स हो चुके हैं और टमी भी इसके अंदर जा चुकी है। अब हम यूज़ करेंगे तीन टूल्स का। सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं आपका ट्रिल क्लॉकवाइज टूल, जिसको आप कीवर्ड सी से भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और देखिए ये क्या करता है, अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ इस तरीके से और इसका जूम थोड़ा कम करता हूँ और इस पर हम क्लिक करूँगा, देखिए तो ये करेगा आपका क्लॉकवाइज, ये आपके हेड को मूव कर रहा है। अब इससे मैं एंटी क्लॉकवाइज करना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा, ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ, देखिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। साइज़ और इंक्रीज़ करते हैं, ऑल्ट के साथ दबाते हैं तो इस तरीके से देखिए ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप टॉप में, देखिए इसका यहाँ पर देखिए कुछ आपको गैप दिखाई दे रहे होंगे, जो आपको व्हाइट बोर्ड है वो हट चुका है, तो उसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर पिन एजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके एजेस सही हो जाएंगे। कंट्रोल जी का दबाएंगे फिर से और या फिर आप लोड लास्ट मैश दोबारा से इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा टूल हमारा क्या है, दूसरा टूल है हमारा पुश लेफ्ट टूल, इस पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर और देखिए ये क्या काम करता है, इसका साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। अगर आप इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे को तो ये आपको बाहर की तरफ आपकी इमेज को राइट की तरफ पुश करेगा। इसका अपोजिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए और ऊपर की तरफ लेके जाइए तो ये अंदर की तरफ आपके पेट को अंदर की तरफ कर देगा। उसी तरह से आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड में भी होता है, अगर आप क्लिक करके बैक ले जाएंगे तो देखिए अंदर की तरफ पिक्सल हमारे दब गए और इसी तरह से क्लिक करके राइट की तरफ ले जाएंगे तो बाहर की तरफ आपके पिक्सल आ जाएंगे, तो ये भी यूज़फुल होता है टूल बहुत। उसके बाद है हमारा स्मूथ टूल। देखिए स्मूथ टूल का यूज़ करने से पहले मैं फॉरवर्ड वॉर्प टूल का यूज़ करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा अंदर इस तरीके से करता हूँ, इसे मैंने यहाँ पर डिस्टॉर्शन पैदा कर दिया। अब देखिए इसे स्मूथ करूँगा, स्मूथ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्मूथ टूल का, तो इस पर क्लिक करता हूँ थर्ड ऑप्शन पर स्मूथ टूल, ई से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पर मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ तो देखिए स्मूथ हो गया। और स्मूथ की वैल्यू आपके रेट पे भी डिपेंड करेगी, तो देखिए अगर रेट को आप इंक्रीज़ करते हैं 80% पे या 100% पे, अगर कंट्रोल जी करूँ मैं ये पहले से थी और इसे फिर क्लिक करूँगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से स्मूथ होगा। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि आप जैसे स्मूथ कर रहे हैं आप इसे दबाए ना रहे, अगर दबाए रहेंगे तो कहते हैं बाहर की तरफ आते रहेगा, जो पहले जैसी इमेज थी वैसे होते रहेगी, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई डिस्टॉर्शन करते हैं जैसे हमने हमारे केस में किया था इस तरीके से या इस तरीके से, तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना है यहाँ पर और ड्रैग कर देना है फटक से, तभी आपका ये स्मूथ हो पाएगा वरना आउटपुट नहीं हो पाएगा। अब देखिए पहले की तरह स्मैश को लाने के लिए लोड लास्ट स्मैश इस तरह से करेंगे तो ये हमारा स्मैश पहले की तरह आ जाएगा। और फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके और भी ऑप्शन है जैसे शो ग्रिड और शो मैश। शो मैश पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक स्क्वायर की ग्रिड दिखाई देगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपने इस पर वर्क किया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपके जो ग्रिड है ये अंदर की तरफ पुश हो रखे हैं और यहाँ पर अगर आप देखें आर्म्स की तरफ तो फैल रखें, देखिए नेक में भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी फैल रखें, तो देखिए इससे आपको पता चल सकता है कि आपने कहाँ पर इमेज में काम कर रखा है। और देखिए उसके बाद दिखाया शो गाइड्स इस तरीके से, शो गाइड्स आपके तब दिखते हैं जब आप रूलर का यूज़ करते हैं, जो कि हमने नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। दूसरा शो इमेजेस, इसको आप अनचेक कर देंगे तो आपकी इमेज आपकी पूरी गायब हो जाएगी, सिर्फ आपको क्या दिखाई देगी मैशी मैश आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप फिर आप ओके कर सकते हैं या फिर आप मास्क का यूज़ नहीं करेंगे, व्यू ऑप्शन पर जाएंगे और इसे हटा देते हैं मैश को इस तरीके से। और इसी तरह का आउटपुट चाहिए था हमारा, या फिर आप लोड लास्ट मैश कर लीजिए एक बार चेक करने के लिए कि हमने कोई चेंजेस तो नहीं किए, ये हमारा परफेक्ट है और इसे ओके कर लेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। फिर से हमारा देखिए लिक्विफाई वाला आ गया जो कि हमने डिलीट किया था। हम लोग
बात करेंगे लिक्विफाई मास्किंग टूल की। देखिए लिक्विफाई मास्किंग टूल का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट ना करें। तो देखिए सबसे पहले लिक्विफाई, इस पर डबल क्लिक करेंगे हम तो हमारा पॉपअप विंडो ओपन होकर आ जाएगी, एक नई विंडोज़ जिसमें हम काम कर सकें। अब देखिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, और इसकी इस केस में मुझे क्या करना है, इसकी चेस्ट पे वर्क करना है। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि जब इसमें चेस्ट पे वर्क करूँ तो इसके हैंड पे और इसके जो चिन है इस पे इफेक्ट ना पड़े। अगर मैं रैप टूल का यूज़ करता हूँ, फॉरवर्ड रैप टूल, और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करता हूँ इस तरीके से, कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने इंक्रीज़, ये मैंने 500 किया। अगर मैं देखिए इस तरह से इस पर काम करता हूँ, इस तरह से ऊपर लेके आता हूँ, तो आप देख रहे होंगे इसकी चिन पे इफेक्ट पड़ा है। अगर मैं यहाँ से इस तरह से मूव करता हूँ तो देखिए हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो भी हमारी स्ट्रेच हो रही हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हमारे फेस पे, हमारे फिंगर्स पे, हमारे आर्म्स में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लिक्विफाई मास्किंग टूल का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका है फ्रीज मास्क टूल, इसका आप यूज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, किसी मास्क को सेलेक्ट करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ छोटा करेंगे, नेक पे काम करना है हमें, तो सबसे पहले इसे यहाँ पर से इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और इसका साइज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी नेक पे थोड़ा सा वर्क करना है मुझे, तो जूम करूँगा यहाँ पर और इसकी नेक को थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाएंगे। तो फॉरवर्ड रैप टूल का यूज़ करेंगे, साइज़ का करते हैं डिक्रीज़, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाते हैं इस तरीके से। और ये ध्यान रखिएगा आप इसकी लाइनिंग जो है इस पे इफेक्ट ना कर दें, और इसको थोड़ा सा, क्योंकि जब हम चेस्ट को बाहर की तरफ निकालेंगे तो यहाँ का एरिया ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा, इसलिए हम इसे सही करेंगे थोड़ा इसकी लाइन को, चिन को। अब इसे हम छोटा कर लेते हैं, हम यूज़ करेंगे आपके फ्रीज टूल का, फ्रीज मास्क टूल, और यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी स्किन नेक पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े और इसके फेस पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पर इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से हैंड पे भी करेंगे हम, साइज़ छोटा करते हैं इसका और इसके हैंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपका हैंड सेलेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से इसके आर्म्स में भी आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर इसको इतना सेलेक्ट कर लेंगे। और देखिए जो सेकंड आप ऑप्शन है इसके नीचे फ्रीज थाओ मास्क टूल, इससे क्या होता है कोई भी मास्क डिलीट होता है, इसे आपने इस सिलेक्टेड एरिया से डिलीट करना है तो यहाँ पर आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए अब हम परफॉर्म करेंगे फॉरवर्ड ड्राइव टूल का यूज़ करके, इसकी चेस्ट को हम बाहर को निकालेंगे, तो इसका साइज़ इंक्रीज करता हूँ मैं इस तरीके से, और इस तरीके से आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं इस पर, इसकी चेस्ट पर जितना आप बाहर निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसे जूम करते हैं और इसके हेयर्स को थोड़ा ऊपर को लेके आते हैं यहाँ पर से, और इसे थोड़ा वाइड बनाने के लिए इसे इस तरफ इसका साइज़ इंक्रीज करके इस तरह से मूव करते हैं ताकि थोड़ी वाइड लगे आपकी चेस्ट, थोड़ी चौड़ी ज़्यादा लगे आपकी चेस्ट, इसलिए इसे मूव कर रहे हैं इस तरीके से। और इसकी टमी को भी थोड़ा अंदर करेंगे ताकि अच्छा इफेक्ट आए, और इस एरिया को थोड़ा बाहर निकालते हैं और इस एरिया को थोड़ा अंदर करेंगे, और ये आपको नीचे भी करना है पूरा इस तरीके से, और यहाँ पर इस एरिया को बाहर निकालेंगे और इस एरिया को थोड़ा सा अंदर करेंगे ताकि आपकी चेस्ट ज़्यादा अच्छी लगे। अब हम इसमें काम करें कहाँ करना है, इसमें काम करना है इसके बैक में, तो बैक में काम करने के लिए कंट्रोल प्लस दबाएंगे, इसे थोड़ा सा मूव करते हैं इस तरफ और साइज़ छोटा करेंगे इसका, और इसे मूव करेंगे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ। और ये ध्यान रखिएगा कि आप मूव कर रहे हैं आर्म्स की लाइन पे, अगर आप आर्म्स की लाइन पे मूव नहीं करेंगे तो इसमें आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरीके से आर्म की लाइंस में इसको मूव करेंगे ताकि हमारी बैक थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तरह से बाहर आ जाए। यहाँ पर अगर आप जूम करें तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है इधर इस जगह पे, तो साइज़ छोटा करेंगे इसका और इसको बिल्कुल आम सी सीधाई पे लेके आएंगे इस तरीके से। तो ये देखिएगा आर्म्स की लाइंस को आप डिस्टर्ब ना करें और इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। तो इसे जूम आउट करते हैं, तो इस तरह से आप चेस्ट पॉपअप कर सकते हैं। अगर आप और चेस्ट बाहर निकालना चाहते हैं तो फिर से फॉरवर्ड लिक्विफाइड टूल का यूज़ करके इसको आप थोड़ा सा और बाहर को निकाल सकते हैं इस तरीके से।
ज़्यादा वर्क मत कीजिएगा वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा इसके हिप्स पर हमें वर्क करना है, तो इसके हिप्स में थोड़ा सा बाहर की तरफ से लेके आएंगे। इस तरह से इसे मूव कर सकते हैं आप, ताकि इसकी बॉडी के हिसाब से इसके हिप्स थोड़े ठीक लगे। ये हमारा सही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब देखिए, मास्क को हटाने के लिए आप जा सकते हैं मास्क ऑप्शन पे, यहाँ पर नन कर सकते हैं तो आपका मास्किंग हट जाएगी। और अगर आप इसका इन्वर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फेस पर वर्क करना चाहते हैं या इसके आर्म्स पर वर्क करना चाहते हैं, बाकी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन्वर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फेस आपका डिसलेक्टेड हो गया, बाकी पार्ट आपका सिलेक्टेड हो गया। जो भी आप वर्क करेंगे तो उसमें हमारी चेस्ट है, टमी है और हमारे हिप्स हैं और जो लेग्स हैं, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क पड़ेगा तो किस में फ़र्क पड़ेगा, आपके आर्म्स में। यहाँ पर तो इसे डिसलेक्ट कर लेते हैं, अनसेलेक्ट, और इस पोर्शन को जो हमारा ऐड करते हैं हैंड वाला पोर्शन, इसको थोड़ा मैं बाहर की तरफ लेके आना चाहता हूँ, तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ इस तरीके से, और इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ करता हूँ मैं 100% करते हैं इसकी डेंसिटी, और इसको हल्का सा बाहर की तरफ इस तरह से लेके आते हैं, ताकि थोड़ी सी ज़्यादा मत कीजिएगा और ना आपके प्रॉब्लम आ सकती है, हल्का सा कीजिए। और यहाँ पर आप इसे इस तरीके से आ सकते हैं इफेक्ट को, और आप थोड़ा सा टमी को और अंदर कर सकते हैं हम यहाँ पर, जिससे हमारा थोड़ा सा और अच्छा आउटपुट आए। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें आउटपुट मिला है। इस मास्क को आप सेव भी कर सकते हैं, तो सेव करने के लिए यहाँ पर रखा है सेव मास्क, इसको आप क्लिक करेंगे तो मास्क यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। मैंने पहले से एक मास्क अप्लाई कर रखा है, मैं लिक्विफाई 1 करता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप इसे सेव कर सकते हैं। आप इसे दोबारा लोड भी कर सकते हैं, लोड मास्क करने के लिए लोड मास्क पर क्लिक कीजिए। अब दोनों में से आप कोई भी मास्क को यूज़ कर सकते हैं, लोड 1 या लिक्विफाई 1। तो देखिए पहले जो मैंने किया था उसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने ये सेव किया और इसे मैं अप्लाई करता हूँ, ओपन करूँगा तो देखिए इस तरह से हमने इफेक्ट जनरेट किया था पहले, जो हम नहीं चाहते। लोड मास्क दूसरे पे जाएंगे और दूसरे मास्क को हम ओपन करेंगे। तो जो भी आपको आउटपुट पसंद आ रहा है, आप डिफरेंट आउटपुट करके उन्हें सेव कर सकते हैं, और फिर आप लास्ट में आप मैच कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा आउटपुट आ रहा है, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कर लेंगे ओके, तो हमारा इस तरह से इफेक्ट आएगा। तो अगर आप यहाँ पर इसकी आई को ऑफ करें, तो पहले इस तरह से इमेज थी, हमने इसे इसमें तरह से मस्कुलर में चेंज कर दिया।